तो है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अष्टमान सी ड्रॉप के बारे में। तो इसका उपयोग किया जाता है छोटे बच्चों में, जब बच्चों में जनरल वीकनेस रहता है, जैसे उनका शारीरिक विकास कम होता है, बार बार इन्फेक्टेड हो जाता है, जिससे उनका सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कमजोर रहता है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार बुखार वगैरह आता है या टायर्ड रहते हैं, हमेशा इनएक्टिव रहते हैं, तो उस समय आप डॉक्टर की सलाह से इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों कैसे देना है, क्या कब पिलाना है, किस क्या इसका बेनिफिट मिलेगा, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। और फ्यूचर में आप बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो अष्टमाइन सी ड्रॉप का जो प्राइस है वह 15 ml के लिए 85 rupees है, और इसके साथ में एक ड्रॉपर आता है जिसकी वजह से आप अच्छे से मेजर करके पिला सकते हैं। तो जब बच्चों में भूख कम लगती हो या बच्चों में जो शारीरिक विकास वह कम हो रहा है, बच्चा हमेशा थकावट भरा रहता है, इनएक्टिव रहता है, किसी के साथ में जल्दी खेलता नहीं है, कम बोलता, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, बार बार उसे बुखार वगैरह आ जाता है, या जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने की वजह से, तो जैसे कि बार बार सर्दी खांसी जुकाम भी वगैरह आ जाता है, उसको भूख वगैरह कम लगती है, तो उस समय आप इसे पिला सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है लगभग, तो आप उसे 10 बूंद यानी 0.5 ml डेली दे सकते हैं, और बच्चा जैसे कि 1 साल से बड़ा है तो उसे 1 ml 20 बूंद दे सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो कि मदद करता है बच्चों को जो शारीरिक विकास में, जो उनको जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो बढ़ने के लिए या उनके अच्छे से ग्रोथ होने के लिए, वह इसके अंदर ऐड किया गया है। इसके अंदर जो ऐड किया गया अमीनो एसिड है, विटामिन सी है, और इसके अंदर L-lysine ऐड किया गया है, तो और बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐड किए गए जो बच्चों के शारीरिक विकास में अच्छे से मदद करते हैं। तो अगर इसे पिलाना है तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, पिलाने से पहले डॉक्टर से। अगर आप खुद से पिलाते हैं तो हो सकता है बच्चों में ये इनडाइजेशन देखने को मिले, ये जो सारे जो उनकी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ये जैसे कि उन्हें उल्टी वगैरह या वोमिटिंग वगैरह आ सकती है, जी मचला सकता है। तो मोस्टली हर मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिल जाता है। तो जब आप इसे वीकनेस वगैरह बच्चों में देख रहे हैं, जैसे उनका शारीरिक विकास कम हो रहा है, हमेशा बच्चा का जो इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहता है, तो उस समय आप दे सकते हैं। तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी करें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।